अब तक टीवी चैनल की एक बड़ी खबर है। जी हाँ, देखिए योगी सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर रहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर में योगी सरकार की ईमानदारी और योगी सरकार की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। जनपद सीतापुर में अभी एक हफ्ता पहले एक प्रधान ने फोन पर 20,000 रुपए आवास के नाम पर मांगने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी एलिया ने स्वयं थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर के मुकदमा पंजीकृत कराया। ये मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक मामला फिर आज वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधान का पुत्र उनके गुर्गे ने किस तरीके से आवास के नाम पर घूस मांगी जा रही है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया भी चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब इस संदर्भ में अब तक टीवी चैनल के स्टूडियो से जानकारी ली गई तो प्रधान ने कहा कि जुताई का पैसा बाकी था। प्रश्न ये उठता है, क्या जुताई का पैसा बाकी था तो क्या आवास के नाम पर जब आवास आएगा तभी पैसा लिया जाएगा? प्रश्न ये उठता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भू जरूर आ रही। इस संदर्भ में जब थाना अध्यक्ष से इमलिया सुल्तानपुर से जानकारी ली गई तो थाना अध्यक्ष ने बताया कि तहरीर मिली है और मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आर्य औरतें ग्रामीण बैंक में एक आवास गरीब का आया था, जिसमें पैसा निकालने के लिए वो गया था। इसके बाद मारपीट का मामला सामने आया है और ये वीडियो जो आया है उस तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रधान अपने पुत्र और अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए देखे किस तरीके से जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहा है। वहीं पर योगी सरकार का न डर है और न ही मोदी का भय। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं खत्म होती जा रही हैं। हमारे संवाददाता इमेलिया सुल्तानपुर से जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार की बू लगातार आती जा रही है। न जाने कितने गरीबों से आवास के नाम पर ठगी की गई है और इसका जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए, बने रहिए, हर खबर होगी बेनकाब आपके साथ अब तक टीवी चैनल पर। देखते रहिए सबसे पहले सबसे सटीक खबरों के लिए।